हमने देखा कि जो जो प्राइसेस हैं मार्केट में अवेलेबल है, सभी में प्राप्त कर ली है। उस प्राइस लिस्ट के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि उसकी क्या प्राइस है, कितनी कॉस्ट होगी। अब जो प्रोसीजर परचेज के लिए अपनाएंगे उसके बारे में हम देखना चाहेंगे इस चैप्टर में। इसमें चार प्रोसीजर हम अपनाएंगे। पहला है रिक्वेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट, फिर कॉल करेंगे हम कोटेशंस का, जो मार्केट में अवेलेबल मटेरियल है उसका, फिर उसका हम अपने डिपार्टमेंट में जो परचेज सेक्शन है वो कंपेरेटिव स्टेटमेंट तैयार करेगा अकाउंट्स के द्वारा। फिर जो मटेरियल आपको चाहिए, जो मिनिमम कॉस्ट है, जो सुटेबल है, उसके लिए परचेज ऑर्डर जारी किया जाएगा। उसके बाद मटेरियल प्राप्त होगा। रिक्विजिशन फर्स्ट पार्ट, रिक्विजिशन जो सेक्शन है वो हमारी मांग पत्र तैयार करेगा। उस रिक्विजिशन का एक फॉर्मेट फॉर्मेट दिया हुआ नीचे, उस फॉर्मेट में वो अपनी डिमांड रखेगा और स्टोर को पहुंचाएगा। स्टोर में अगर वो सामान है तो हमारे सेक्शन को मिल जाता है, नहीं है तो उसके लिए परचेज का एक प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। तो जो ये लिस्ट दी हुई है डिमांड, उसमें लेट उसमें स्पेसिफिकेशन, साइज, क्वालिटी, टाइप, क्वांटिटी, अगर कोई ड्राइंग का मटेरियल है जिसमें ड्राइंग चाहिए तो ड्राइंग अटैच करेगा, चार्ट है तो चार्ट अटैच कर सकते हैं, कि पर्टिकुलर आइटम हमें जो चाहिए उसकी डिटेल इस तरह से दी जाएगी। उसमें क्वांटिटी, स्टॉक में कितनी अवेलेबल है, जो सेक्शन का इंचार्ज है वो उस पर साइन करेगा। उसका कौन सा सेक्शन है, सपोज इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट के साइन होंगे। स्टोर वाला देखेगा कि इसमें कितना सामान अवेलेबल है, कितनी मिनिमम क्वांटिटी चाहिए, अगर जो अवेलेबल है तो उसको सेक्शन को दे दिया जाएगा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट को रेफर किया जाएगा, जो कि वो देखेगा कि किस सामान को परचेज करना है, कितनी क्वांटिटी है, उसकी क्या फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेलिटी है, जो उस हिसाब से परचेज कर पाएगा। उसमें परचेज ऑर्डर अगर दिया जाएगा तो उसमें ये यहाँ पर मेंशन किया जाएगा कौन सा परचेज ऑर्डर है, नंबर, उसकी डेट क्या है, किसने चेक किया है, वो यहाँ से मार्क किया जाएगा। ये जो फॉर्मेट है ये स्टोर डिपार्टमेंट को जाएगा। ये तीन कॉपी में तैयार होगा। एक कॉपी तो वो खुद ही रखेगा और दो कॉपी में स्टोर को देगा। जब परचेज डिपार्टमेंट परचेज कर लेगा तो इस रिक्वेशन कॉपी को वापस हमारे सेक्शन में आ जाएगी, जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि ये परचेज किया हुआ है और इस ऑर्डर से परचेज ऑर्डर जारी किया हुआ है, तो ये पता लगेगा कि ये सामान का ऑर्डर दिया जा चुका है। दूसरा है कॉल ऑफ कोटेशन। जो भी मटेरियल है उसके कोटेशंस किए जाएंगे मार्केट से। जो भी प्रोसीजर है उसमें अगर कोटेशंस कई तरह के होते हैं, उसमें क्वांटिटी कितनी है, अगर मटेरियल बहुत कम संख्या में हो, थोड़ा हो, तो शॉर्ट टेंडर या डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं। अगर बड़ा है तो लिमिटेड टेंडर, और बहुत ज्यादा बड़ा हो, बहुत ज्यादा अमाउंट का हो, तो हमें पब्लिक टेंडर करना पड़ता है। उस टेंडर में टेंडर का भी हम फॉर्मेट देखेंगे, उसमें ये मेंशन किया होगा किस मेक का चाहिए, मटेरियल चाहिए, क्या डेट होगी, जो टेंडर परचेज की क्या डेट होगी, टेंडर ओपन की क्या डेट होगी, ये सब मेंशन होगा जो टेंडर पब्लिश होगा उसमें, ताकि कोई भी उसको देख सके, उसके हिसाब से काम कर सके और अपनी प्राइसेस दे सके, टेंडर को भर सके। उसमें सैंपल अप्रूवल अगर चाहिए तो सैंपल अप्रूवल के लिए लिखा जाएगा। कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिन्हें सैंपल करना पड़ता है, जैसे चेयर है, तो चेयर का अप्रूवल होगा कि कौन से आपके प्रॉपर है या नहीं है, टेक्निकल कमेटी उसको सैंपल को प्रूव कर सकती है, कौन सा टाइप का मटेरियल है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, लास्ट डेट क्या है, एफ ओ आर क्या है, पैकिंग वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह शामिल है या एक्स्ट्रा है, वैलिडिटी क्या है मटेरियल सप्लाई की,
और ये जो मटेरियल की रेट्स हैं, प्राइसेज हैं टेंडर की, वो 1 ईयर के लिए है, टाइम बाउंड है, या 3 साल के लिए है, या 15 साल के लिए, जो भी टाइम ड्यूरेशन उसमें मेंशन किया हो सकता है, या वन टाइम है कि सप्लाई के बाद ये फिनिश हो जाएगा। इसमें हर पेज पे साइन होंगे, जहाँ टेंडर भरा है उसमें कटिंग कहीं भी होगी उस पर साइन होने चाहिए, ताकि ये कोई बाद में कटिंग नहीं कर सके। टेंडर सीलबंद लिफाफे में आते हैं जनरली, और ये कमेटी के सामने ही खोले जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ पेजेस भी मार्क किए जाते हैं, हर पेज पे साइन होंगे। तो सैंपल इसका नीचे दिया हुआ है, ये सैंपल है कॉल कोटेशन का, जिसमें कॉल लिखा होगा, जिसमें शर्तें लिखी होंगी। इस तरह से उस टेंडर को जारी किया जाता है। फिर आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जो भी हमारे टेंडर्स प्राप्त होते हैं उनको हम रिसीव करते हैं, और इस जितने टेंडर आए हैं उन सबका यहाँ पर, जैसे फर्म नंबर 1, फर्म नंबर 2, फर्म नंबर 3, इनका जो भी मटेरियल हमने दिया हुआ है उसकी रेट और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ कंपैरिजन, क्लियर कंपैरिजन हो जाता है। उस कंपैरिजन को हम चेक करते हैं अकाउंट सेक्शन। उस कंपैरिजन में जो भी मटेरियल है, जो लोवेस्ट है उसको मार्क किया जाएगा। टेक्निकल एक्सपर्ट्स उस पर अपने कमेंट्स देंगे। जो भी फर्म है रिलायबल हो, रेपुटेशन जिसकी अच्छी हो, ये 2 कॉपी सप्लायर को दी जाएगी, 1 कॉपी स्टोर को दी जाएगी, 1 अकाउंटेंट को, और 1 जो सेक्शन ने इसकी डिमांड की थी, जैसे हमारे केस में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की गई थी, उसको वापस दी जाएगी, 1 OC रहेगी, यानी टोटल 6 कॉपीज दी जाएगी। इस सैंपल जब चेक हो जाता है, यानी अप्रूव हो जाता है, उसके बाद अकाउंटेंट सेक्शन मिनिमम लोवेस्ट जो भी फर्म है उसको परचेज ऑर्डर जारी करने के लिए अप्रूव कर देते हैं। परचेज ऑर्डर का एक परफॉर्मा याद दिया हुआ है, उस फर्म को ये लिखा जाएगा कि आपने जो सामान, जो कोटेशन दिया था वो अप्रूव हुआ है, उसकी मात्रा इतनी है, उसका जो भी उसने दिया है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये रखी जाएगी। अगर इसमें कोई चेंजेज होते हैं तो हम उसको अलग से इंटीमेशन दे देते हैं। तो ये आपका परचेज ऑर्डर का सैंपल है। टेंडर फॉर्म, जो टेंडर फॉर्म हम जारी करते हैं उसका एक जनरल सैंपल ये दिया हुआ है। इस सैंपल में टेंडर का नंबर होगा, डेट होगी, ओपन की डेट होगी, कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम दिया हुआ होगा, फीस जो टेंडर फॉर्म की फीस होगी जो फिक्स है वो दी होती है। ये हमारा इस तरह का फॉर्मेट है, लास्ट डेट भी दी होगी। इस तरह से हम उसको टेंडर कॉल करते हैं। अगर टेंडर शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकता है, लिमिटेड टेंडर भी किसी दुकानदार को हम देते हैं, और अगर पेपर है तो पेपर में पब्लिश किया जाएगा, या किसी मीडिया में ऑनलाइन भी पब्लिश किया जा सकता है। उसमें सभी चीजें मेंशन की होनी चाहिए, जैसे हमने देखा है, रेट हो, क्वांटिटी हो, फॉर्म की क्या कॉस्ट होगी, लास्ट डेट कब होगी, खुलेगा कब। दैट्स, थैंक यू।